नमस्कार, मैं गवेषित डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गवेषित डॉक्टर दुष्यंत कुमार। जार आयुर्वेदा के इस परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। 22 सितंबर 2022 की रात एक दुर्घटना में अहमदाबाद गुजरात के निवासी साबित कुमार भाई साहब की टिबिया और फिबुला की हड्डी टूट जाती है, और हड्डी टूटने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर ऑपरेशन करके जो उनकी टिबिया की हड्डी है उस पर प्लेट और जो फिबुला की हड्डी है उस पर नेल सेट कर दिया जाता है। इसके बाद लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है, और जैसे आप सभी जानते हैं एक हड्डी को जोड़ने में लगभग 6 महीने का जो समय होता है काफ़ी होता है। और उसके बाद जब इसको एक्सरे करके देखा जाता है काफ़ी उम्मीद के साथ, लेकिन उस समय जो एक्सरे में देखने को मिलता है कोई खास ग्रोथ या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं, काफ़ी स्लो, जो ऐसे देख करके लगे कि शायद ये जो इम्प्रूवमेंट है 1 से 1.5 महीने का हो। तो इस समय पे इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उनको काफ़ी निराशा या फिर हताशा का सामना करना पड़ा, और उसके बाद किसी तरीके से वो झार आयुर्वेदा का संपर्क सूत्र प्राप्त करते हैं और संपर्क करके मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद झार आयुर्वेदा का मेडिसिन लेने के बाद उनको क्या कुछ फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ों को उनसे बात करके जानने का कोशिश करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम साबित कुमार है। मेरा एज मैं 43 का हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ। सितंबर 2022 को रात के समय 11:30 बजे के आसपास मैं 2-व्हीलर से जा रहा था। एक बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने अपना राइट साइड का जो पाँव है बाहर के साइड में रखा हुआ था वो उसी में जाके हिट हो गया। जब हिट हुआ तो शायद मैं बेहोश हो गया था। होश आने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। होश आने के बाद करीब 2 मिनट ही हुए होंगे, एम्बुलेंस आई और मुझे सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। तब तक मेरे घर वाले आ चुके थे। सिविल हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग रहा था। सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं था, इसलिए मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए। करीब 4 बजे मेरे को वहाँ एडमिट कराया गया। तब तक स्वेलिंग बढ़ चुका था, उन्होंने एक प्लास्टर मेरे पाँव में डाल दिया गया। आई थिंक नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन हुआ। ये स्क्रू और प्लेट डाल दिया गया। मुझे नहीं पता ये जो किया गया है वो सही है कि नहीं, बट ठीक है अब डाल दिया जो भी। आई थिंक हॉस्पिटल में मैं 2 दिन तक ही रहा, उसके बाद छुट्टी दे दी गई। करीब 25 दिन के बाद मेरा प्लास्टर निकाल दिया गया। उसके बाद मेरा फिजियोथेरेपी 3 महीने तक ही चला। उसके बाद मेरा चलने का शुरुआत हो चुका था। मैं चल रहा था पर बहुत सारा पेन मुझे होता था चलने में। इन 3 महीनों में मैंने यूट्यूब में सर्च किया इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्या करना है या नहीं करना है, इस बारे में जानकारी यूट्यूब से मैंने थोड़ा सर्च किया, क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। एक यूट्यूब चैनल है ऑल राउंडर अखिलेश, उनके चैनल से मुझे झार आयुर्वेदा का पता चला और मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया। जो लेटेस्ट एक्सरे किया था उसके हिसाब से मैंने उनको एक्सरे दिया और उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। झार आयुर्वेदा से मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है, 4 डोसेस लिए हैं मैंने मेडिसिन के। एक डोज मुझे 1700 का पड़ा था। उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने जो भी उन्होंने बोला था वो मैंने किया। करीब 4 डोज लिए थे। सेकेंड डोज के बाद ही मुझे उसका असर दिखने लगा। झार आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे सारे पेन ख़त्म हो चुके थे। सेकेंड डोज लेने के बाद ही मुझे उसका असर दिखने लगा। थर्ड डोज में बहुत ही अच्छा फील हुआ। मेरे सारे पेन ख़त्म हो चुके थे जहाँ पे मुझे पेन होता था, जो इंजरी पेन सब ख़त्म हो गया था। 4 डोज में बहुत अच्छा फील हुआ। जो पाँव में मजबूती आता है वो फील होने लगा, जो स्ट्रांगनेस चलने में मुझे फील हो रहा था। हालांकि ये ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने अभी तक एक्सरे नहीं लिया है। शायद मैं कुछ महीने बाद ही मैं एक्सरे लेने का प्लान करूँगा। अभी उनका ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं खुश हूँ जो भी ट्रीटमेंट लिया है। अभी मैं चल सकता हूँ आराम से, हालांकि थोड़ा लिंपिंग होता है और 100% रिकवरी तो नहीं हुआ है। चलने में मुझे
अभी पेन तो नहीं है, बस सिर्फ पेन मुझे मसल में ही होता है, सिर्फ मसल जब हम स्ट्रेच करते हैं। मेरा 100% रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है। मैं खड़े होके नीचे बैठ नहीं सकता हूँ, सीढ़ी उतर नहीं सकता, उतना मुड़ता नहीं है, पर मैं सीढ़ी आराम से चलता हूँ, आराम से वॉक कर सकता हूँ मैं। जब तक स्ट्रेचिंग चलता रहेगा तब तक मुझे वो थोड़ा हल्का सा पेन होता रहेगा, और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तो होता ही है, क्योंकि अभी ये प्लेट और स्क्रूज लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। जब तक ये लगा रहेगा वो रहेगा। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, मैं खुश हूँ बहुत, क्योंकि मुझे एक अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए था, एक दूसरा ऑप्शन चाहिए था, वो मुझे मिल गया और मैं खुश हूँ। इसके लिए मैं झार आयुर्वेदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना मेहनत करके अपना ऑडियो है उसको रिकॉर्ड किया और अपने फ्रैक्चर की जानकारी हम सबों के साथ साझा किया। और आप सभी से ये आशा करते हैं जो भी इस तरीके का समस्या से परेशान है उस तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। तो बस इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।